एक्शन प्रोग्राम है। नैनीमोनी बच्चियों के द्वारा बिग हैंड फॉर ऑल दोज टीम मेंबर्स फॉर ऑल यूनियन क्लब्स। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि बिगन तालियां बजाइए प्लीज। बहुत बढ़िया। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला मगर एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे के पीछे मूल भूत रूप से जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं यदि हम ये कुछ दे सकें, इसके अलावा यदि हम कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ दे सकें, एक वो भी एक हमारा ध्येय रहता है। और मोटे तौर पर हमारे द्वारा दिए गई सहायता यदि लोगों की सिविल एस्पिरेशन से जुड़ी हो तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। अभी इस समय पे इस स्थान के ऊपर एक फुटबॉल टीम को जो है सामान दिया गया है ताकि वे एक सुसज्जित रूप से नियमित जो नियम कानून है उनके तहत खेल सके, क्योंकि एक टाइम था जबकि बिना जूते के भी खेला जाता था, लेकिन आजकल नियम के अनुसार गेम बिना जूते के नहीं खेला जा सकता। एक उनकी टीम का कलर होना चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। टीम के सदस्य जो अभी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका और बीएसएफ के सेकंड कमांड श्री मनीष, श्री राजेश, एडजुटेंट डायरेक्शन क्वार्टर मास्टर 80 बटालियन बीएसएफ और बाकी अन्य अधिकारी एसओज और जवान जितने भी यहाँ पर सब इस आयोजन आयोजन सब पे मौजूद हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ। और साथ साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस स्थान पर एक सौभाग्य और बीएसएफ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में यहां तैनात हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और उनका आपस में प्रस्ताव पारित होता है जिसके तहत फंड्स डिक्लेयर किए जाते हैं और डिसाइड किया जाता है। बीएसएफ क्योंकि बॉर्डर के ऊपर तैनात है और परमानेंट रूप से यहाँ आपके साथ रहती है, इसलिए इस इलाके के अंदर हम लोगों को भी एक जिम्मेदारी दी जाती है कि बीएसएफ के इलाकों में ताकि सिविल सोसाइटी के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन हो सके, तो इस रूप से हम भी चयनित करते हैं, हम भी चुनाव करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का जहाँ पर कि हम वाटर पॉपुलेशन को उनकी भलाई के लिए कुछ दे सकें जो उनके काम आ सके। और सिविक एक्शन के अंदर जितने